बड़ों को प्रणाम, छोटों को राम राम। क्या खाऊं क्या बनाऊं के सफर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आ गया हूं हम तुम पिज्जा वाले पे। ये गाजियाबाद में है शॉप इनकी भैया की, और यहां पर आइए मैं आपको भैया से मिलाता हूं। और देख सकते हैं आप किस तरीके से बैठने का स्पेस बना रखा है भैया ने, और खड़े होके भी आप खा सकते हो। और साफ सफाई आप देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से कर रखी है, और वेजिटेरियन शॉप है। तो भाई राम राम, क्या हाल है भाई? कब से शॉप खोली हुई भैया? दो महीने। पहले दिल्ली में सोच रही, वहाँ पे भी चल रही है में। अच्छा अच्छा, हम तुम पिज्जा। ये आपके ये आइडिया कहाँ से आया भैया, हम तुम पिज्जा वाला? ये हमारी सिस्टर थी तो हम सिस्टर दोनों मिलके काम चालू किया था। अच्छा, इससे पहले कुछ और करते थे भैया आप? हाँ, जॉब करता था। जॉब वोडाफोन में। वोडाफोन में। तो ये मन कैसे बनाया आपने? ये सर वोडाफोन में था, फिर प्राइस हुई जॉब पड़ती थी डेली, इसलिए उतना टेंशन देना, टारगेट पूरा करना है। अपने काम में मजा आ रहा है भैया। ग्रो कर रहे हो आप, तो क्या खा सकते हैं भैया, क्या क्या है सब? चौमिन में सारी चौमिन मिल जाती है, सिंगापुरी हक्का नूडल्स है, आपका नूडल्स है, और क्या कहते हैं आपका वेज चौमिन है, पनीर चौमिन है, आपका चिल्ली प्लेट हो, यानी चिल्ली प्लेट हो, और मंचूरियन है, ट्राई मंचूरियन, चिल्ली पनीर, राइस, फ्राइड राइस, बहुत सारे आइटम है आपके। तो चलिए मैं आपको कुछ खा के और मेकिंग दिखाता हूँ उसकी, जो भैया बनाएंगे। आप ही शेफ हो भैया? हाँ। तो आप देख सकते हो यही ओनर हैं और यही शेफ हैं, पवन नाम है भैया का। तो चलिए मैं मेकिंग दिखाता हूँ आपको। ये चिली पनीर का बना रहे हो भैया? हाफ प्लेट मसाला होता है, नमक होता है। ये वैसे कोई दिखाता नहीं है ना। ठीक है भाई, काली मिर्च का पाउडर। ओह कितने साल का एक्सपीरियंस है भैया आपको? दो साल। ओह भैया, ओह गजब, ओह भाई। कौन सा वाला बना रहे हो? यहाँ पे भैया ने ग्रेवी तैयार कर ली है। पनीर देख सकते हो आप किस तरीके से। कितने रुपए कॉस्ट है भैया इसकी? कितने रुपए? 70 रुपए की हाफ लेते हैं। 70 की हाफ है, फुल जो है वो 130 की है। कितनी प्लेट बना लेते हो भैया दिन भर में? बन जाती थी कुछ प्लेट, अभी स्टार्ट किया नया काम। बाकी और भी आइटम है ना, चिल्ली प्लेट और चौमिन है, चौमिन है, चौमिन में पिज्जा भी निकलता होगा, पिज्जा भी अपना तो हो जाता है। इसकी क्या कॉस्ट है भैया मंचूरियन की? हाफ प्लेट 50 का, फुल 80 का। हाफ 50 और फुल 80 का है। हाँ भैया फ्राई कर रहे हैं, इसमें तो आग नहीं लगाओगे? है भाई, इसमें भी लग सकती है। भाई हर कोई कर लेता है ये, कि कुछ कुछ लोग कर पाते हैं जो डेली कंटिन्यू हो रहा है वो कर लेते हैं। और ही गजब। तो भाई ये वेजीज पड़ गई सारी। वैसे देखा जाए तो आपने कुछ छुपाया नहीं आज, जो किया हो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं किया कि आप ऐसा भी बोलो कि वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, हम कुछ और लगाएंगे। मंचूरियन और चिली पनीर में भैया ये कैबेज का डिफरेंस है ना। स्पेशलिटी बना दूं मैं क्या, मंचूरियन राइस एक में बना देती हूँ। मंचूरियन के साथ? मंचूरियन के साथ राइस, राइस जो आजकल गुजरात गुजरात में खाते हैं, यहाँ के लोग नहीं खाते हैं। अच्छा अच्छा, वो चीज़ बताते हैं आप पहले, वो हम भी देखते हैं। वही वो मैंने अपने कॉम्बो में रखा है। अच्छा, कॉम्बो भी है? कॉम्बो मेरा यहाँ राइस और मंचूरियन। तो चलिए हो गया रेडी, अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ।
चलिए टेस्ट कर लेते हैं। भैया ही ने बनाया है, जो ओनर है शॉप के उन्होंने बनाया है। अभी तो पनीर का चिली पनीर, मैं मंचूरियन करता हूँ। बाकी मेकिंग जो देखी है मैंने, वो मेरे को बहुत बढ़िया पसंद आई। खासकर भैया दो चार जगह पे आग लगाए हैं, डराए भी हैं हमें। पनीर के साथ ये जो इसकी ग्रेवी है वो बहुत सॉलिड लग रही है, इन्फिनिटी नंबर है, इतना बढ़िया टेस्ट है। और ग्रेवी भैया ने ला जो ग्रेवी का तो क्या ही कहना। बाकी हो सकता है मंचूरियन हर जगह जैसा हो, पर मेरे को ऐसा लग रहा है ग्रेवी बहुत बढ़िया बनी मेरे अकॉर्डिंग। 10 out of 10 नंबर है मैं ये करता हूँ। अब चिली पनीर मैं कर लेता हूँ। तूने पनीर नहीं खाया क्या? पनीर मशरूम तो तुझे पसंद हो गई है, तो पसंद आएगी बहुत बढ़िया टेस्ट है। भाई के हाथ में जादू है, देखा जाए तो हर चीज़ बढ़िया बनाई है भाई ने। पवन सिंह भाई का नाम है, तो भाई से आपको मिलवाता हूँ और पूछ के बताता हूँ कि अगर जॉब करते हुए आप संतुष्ट नहीं हो और आपको अपना बिजनेस करना है तो कैसा माइंडसेट आप बना सकते हो, जिस तरीके से आप बिजनेस खोल पाओ बताओगे ना भाई। तो हम खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपको। आप क्या कह रहे थे भाई? छोटे वाले भैया कह रहे थे भैया आग लगा के बनाए तो अच्छे ही बना होगा, पर सच में हम लोगों ने खाया। पवन भाई के हाथ में सच में जादू है। लग नहीं रहा भाई कि आप कुछ महीनों से कर रहे हो, या ऐसा लग रहा है जैसे प्रोफेशनल हो इस काम में ही बिल्कुल। तो पवन भाई से मैं पूछूंगा, पवन भाई बताओ अगर किसी को काम करना हो जिसका मन कर रहा हो, जॉब से जो संतुष्ट ना हो, वो क्या करे, कैसे मन बनाए अपना बिजनेस के प्रति? सोचने वाला वो सोचते रह जाता बात ये थी, मैंने वो सोचा लेकिन सोचते रह गया, काफ़ी साल खराब किए। अच्छा अच्छा। लास्ट में जब लॉकडाउन लगा उसके बाद नहीं कुछ रात में फिर एक टाइप चालू कर दिया, थोड़ा बहुत देखा, थोड़ा दिमाग लगा, छोटा काम स्टार्ट किया था। आज जाके दो दुकान भैया ने, आज एक दुकान से दो दुकान भैया ने बना लिया। और मैं सच बता रहा हूँ कि टेस्ट तो भैया का बहुत अच्छा है, आप लोग आ सकते हो। ये एड्रेस क्या पड़ गया भैया यहाँ का? प्रताप विहार सेक्टर 11 उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। तो आप सभी आए और ट्राई करें, मेरे को तो बहुत पसंद आया यहाँ पे। और वीडियो पसंद आई हो हमारी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और प्रणाम सभी को।